सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, हमने कक्षा 6वीं के विज्ञान के पहले 9 अध्याय पूरे किए हैं। आज हम अध्याय 10 की बात कर रहे हैं और अध्याय का नाम तो आपको पता है। जी हाँ, गति, बल तथा दाब। इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे ये देखिए। हम मुख्य बिंदु जिन पर आज बात करेंगे वे हैं, गति क्या है, ठीक है, गति के प्रकार, कितने प्रकार की गतियां हैं ये जानेंगे। इसके बाद देखिए, उन प्रकारों के मैंने नाम लिखे हैं। सबसे पहले है सरल रेखीय गति, फिर है वृत्तीय गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति तथा अनावर्ती गति। चलिए हम शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि गति आखिर है क्या। आप अपने पास बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं जिनके चित्र मैं आपको दिखाने वाली हूँ आगे। इनमें देखिए, ये चित्र को देखकर आपके दिमाग में क्या बात आ रही है। आप चित्र देखते चलें और सोचते भी चलें। ये बिजली के खंभे हैं, ये क्या है, ये तो आप देख चुके हैं, आसमान में उड़ता है, हवाई जहाज है ना। चलिए, ये उड़ते हुए सुंदर पक्षी हैं, ठीक। ये देखिए, ये क्या कर रहा है, ये लड़का तो दौड़ रहा है ना। ये देखिए, अब देखिए इसके बाद, ये पानी में तैरने वाली सुंदर मछलियाँ दिख रही हैं आपको। चलिए, और ये एक मकान है जो अपनी जगह स्थिर खड़ा है, ठीक। ये एक स्कूटर है जो स्टैंड पर खड़ा है ना। इन सबको देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे आसपास कुछ वस्तुएं जो हैं वे गति कर रही हैं, मतलब वे स्थिर नहीं हैं, जबकि कुछ वस्तुएं जो हैं वे स्थिर अपनी जगह पर खड़ी हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, हमने जितनी वस्तुएं देखी उन वस्तुओं को इस तालिका में हम लिखते हैं। हम उन्हें कैसे लिखेंगे ये भी देखिए। हम पहले में नंबर डालेंगे, दूसरे में हम जो वस्तुएं एक ही जगह स्थिर हैं उनके नाम लिखेंगे स्थिर वस्तुओं के नीचे, और दूसरे कॉलम में हम गतिशील वस्तुएं, जो वस्तुएं स्थिर नहीं हैं उन वस्तुओं के नाम लिखेंगे। अभी आपने जितने चित्र देखे उन सबको तो आपने देखा है ना, तो उनको आप इन दो कॉलम्स में लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जानें कि गति आखिर है क्या। समय के साथ वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जब गति करेगी कोई वस्तु तो कुछ समय भी लेगी, और समय लेगी तो वो एक जगह से दूसरे जगह हमें जाती हुई दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए हमने इसकी परिभाषा में इस तरह लिखा कि समय के साथ, है ना, और वस्तु की स्थिति, दोनों चीज़ में आपको परिवर्तन दिखाई देता है। अब हम जानेंगे गतियों के प्रकार के बारे में, ठीक है। देखिए, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति है क्या। सरल सीधी रेखा में, ठीक है, जब गति होती है, ठीक है, गति जो है सरल रेखा में होती है वह सरल रेखीय गति कहलाती है। इसमें उदाहरण क्या देंगे, जैसे कोई लड़का अगर वो दौड़ रहा है तो लड़का जो दौड़ता है, या आप ही दौड़ते हैं तो हम सीधे दौड़ते हैं, ना कि इधर इधर इधर, ऐसे नहीं दौड़ते हम, है ना। फिर आम, आम गिरता है तो सीधे आपके पास आता है, पेड़ भी हिलाया तो फल गिरते हैं तो सीधे गिरते हैं ना। तो इस तरह ये उदाहरण है। एक और उदाहरण देखिए, बंदूक जो होती है उससे जो गोली निकलती है, इसीलिए हम निशाना लगाते हैं, है ना। आपने देखा होगा मेले में भी बैलून लगे रहते हैं, फुग्गे, उसमें आप निशाना लगाते हैं बैलून फोड़ने के लिए। तो आप निशाना क्यों लगाते हैं कि जहां आप निशाना लगा रहे हैं वो जो है सीधे जाए रेखा में, है ना। या आपने देखा होगा कि 26 जनवरी या 15 अगस्त जो मार्च पास्ट होती है ना, परेड होती है,
उसमें भी देखिएगा सारे जो सिपाही या जो स्टूडेंट्स हैं वो भाग ले रहे हैं वो एक सीधी रेखा में चलते हैं। चलिए हम चित्रों में इन्हें देखते हैं। ये देखिए सीधी रेखा में दौड़ते हैं, है ना, मैंने आपको बताया। एक और ये उदाहरण देखिए, जब पेड़ से आम गिरता है या कोई फल, वो सीधा ही गिरता है। और ये देखिए, आपको बताया मैंने कि बंदूक से निकली हुई गोली। और ये मार्च पास्ट देखिए, आपको सबके हाथ एकदम स्ट्रेट सीधा दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति। ठीक, अब हम बात करेंगे दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है वृत्तीय गति। वृत्तीय नाम से ही समझ में आ गया कि जो एक वृत्ताकार मार्ग में होती है, वृत्ताकार गोल है ना, वह गति जो वृत्ताकार मार्ग में होती है उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसमें उदाहरण क्या देंगे आप, इसमें आप उदाहरण देंगे, अभी दिवाली आ रही है, आप फटाके फोड़ते होंगे, उसमें देखिए एक चक्री होती है जो गोल 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 घूमती है ना, वो होती है वृत्तीय गति। या आपने झूला देखा होगा, मेले में जाते हैं तो आपने देखा होगा वो जियांट व्हील है ना, जिसे आकाश झूला भी कहते हैं, उसमें भी आप बैठे होंगे, तो उसकी गति कैसी है, गोल है ना, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। ये देखिए चित्रों में मैंने आपको दिखाया है, देखा है ना आपने इसे, तो ये उदाहरण है वृत्तीय गति के। अब हम देखें एक और गति का प्रकार, जिसका नाम है घूर्णन गति। ठीक, इसकी परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु अपने अंदर स्थित अक्ष में चारों ओर घूमती है, मतलब ये उसका अक्ष है और इसके चारों ओर घूमती है, तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति। इसमें आप उदाहरण किसका देंगे, लट्टू भौंरा, जानते हैं ना आप, उसमें रस्सी बांधते हैं फिर उसे फेंकते हैं तो वो गोल 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 अपनी अक्ष के चारों ओर घूमता है। या आपके घर में पंखा, सीलिंग फैन आपने चलाया होगा, वो भी कैसे घूमता है, अपनी अक्ष के चारों ओर। हमारी पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं वो भी घूर्णन गति करती है ना, तो ये उसके उदाहरण हुए। अब आपने ये सारी चीज़ें देखी और जानी, तालिका है हमारी किताब में 10.2, इस सारणी में आपको बहुत सारी वस्तुओं के नाम पहले वाले कॉलम में दिख रहे हैं और दूसरे वाले कॉलम जो है उसमें आपको क्या लिखना है, गति के प्रकार, कि वो किस गति को दर्शाती है, जैसे वृत्तीय गति, घूर्णन गति है ना, तो आपको वो लिखना है। मैं पहले दो आपको पढ़ के बता रही हूँ, बाकी आप अपने आप अपने नोटबुक में पूरा करेंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए पहला है घड़ी की सुई की स्थिति कैसी है, कौन सी गति को दर्शा रही है घड़ी की सुई। अच्छा, स्थिति में और सुई में फ़र्क है। आप बहुत बार देखिए जो कांटा, जैसे हम घड़ी में तीन प्रकार के कांटे होते हैं, एक जो होता है उसका जो दर्शाता है सेकंड्स का कांटा, मिनट का कांटा और आवर्स मतलब घंटा, एक घंटा दो घंटा है ना, तो तीन उसमें कांटे होते हैं। तो सबसे तेज चलने वाला कांटा कौन सा है, आपको पता है, सेकंड्स वाला है ना, उसके ऊपर फिर मिनट वाला, और सबसे धीमा चलने वाला कांटा होता है घंटे वाला है ना। तो जब बहुत गति जो है बहुत धीमी होती है तो वह हमें कभी कभी बहुत ध्यान से रुक कर समय दे कर देखना पड़ता है, लेकिन सेकंड्स वाले कांटे को आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसमें आप इन वस्तुओं के जो नाम हैं इनसे पहचाने और सही उत्तर को लिखें। ठीक है, जैसे घूमता हुआ लट्टू है, बैलगाड़ी का चक्का है, या हम कहें कि कोई कुम्हार का चाक जिस पे वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, या घूमता हुआ पंखा है ना, इसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास आपको दिखाई देते हैं। आप चाहें तो अपने से और भी उदाहरण खोजकर लिख सकते हैं, है ना बच्चा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्रियाकलाप करते हैं। इस क्रियाकलाप को आप घर पर भी कर सकते हैं। क्या करना है इसमें, आपको क्या क्या चाहिए पहले उसे देखें। आवश्यक सामग्री,
इसमें आपको एक पत्थर का छोटा टुकड़ा या एक छोटा पत्थर भी आप ले सकते हैं। उसे आप क्या करेंगे, धागा जो होता है उसे 1 मीटर लंबे धागे में बांधेंगे, ठीक, गांठ बांधे इस तरह धागे से बांधेंगे और यहाँ वो पत्थर का टुकड़ा है। अब इस पत्थर के टुकड़े को पकड़कर इस तरह खींचें और फिर उसे छोड़ दें। जब आप छोड़ते हैं तो ये जो चित्र है इस प्रकार आपको दिखाई देगा कि हम जो उसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ पर मैंने 3 दर्शाई है, ए, बी और सी। तो आप देखेंगे कि जो सीध है उससे इस तरफ और उस तरफ, मतलब दोनों तरफ वो उतना ही डिस्टेंस, या जिसे हम कहें कि उतना ही वो घूमेगा जो उसका क्षेत्र है, ठीक है। तो कहने का मतलब इस प्रकार के क्रियाकलाप को घर में भी कर देख सकते हैं और ये भी एक गति को दर्शाता है। हमारे घर में हम झूले भी होते हैं, कभी बगीचे में भी जाते हैं, वहाँ भी झूले होते हैं, आप बैठे भी होंगे। क्या होता है झूले में, पीछे से आपका साथी धक्का देता है, ठीक, तो क्या वो पीछे खड़ा रहता है, नहीं ना, क्यों नहीं, क्योंकि आपको पता है झूला जितना आगे जाएगा उतना ही वो झूला पीछे जाएगा, और आपका अगर साथी खड़ा है तो वो चोट लगने का डर है तो वो धक्का देके हट जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी वही जो क्रियाकलाप हमने किया वो हो रहा है, हमने वहाँ पत्थर लिया था, यहाँ वो झूला है, ठीक। ये देखिए ये घड़ी जो है, पुराने ज़माने में ऐसी घड़ी आती थी, है ना, अभी भी आती है, इस तरह की घड़ी आपने देखी होगी। इसमें जो पेंडुलम है नीचे की ओर, घंटा है ना, वो क्या दर्शा रहा है, वो पेंडुलम की स्थिति, जितना उस तरफ जाएगा उतना ही इस तरफ, दाएं बाएं जो है वो उतनी ही गति से आगे पीछे हो रहा है, ठीक, और इसका डिस्टेंस जो है वो भी क्या है, समान है। ये देखिए मंदिर की घंटियाँ, इस तरह आप मंदिर भी गए होंगे, है ना। तो अब हम एक और जो है गति के प्रकार की बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं आवर्ती और अनावर्ती गति। कि वृत्तीय मार्ग पर कोई लड़का दौड़ रहा है ना, या हमने घड़ी के सेकंड की सुई वाली भी बात करी कि उसमें भी गति को हमने देखा है। आपने जब ये दोनों उदाहरण देखे तो आपको क्या फ़र्क नज़र आया, दोनों में क्या अंतर नज़र आया। आपने ये जाना होगा कि जब जो धावक है, आपने रेस देखी होगी, ऐसी गोल ट्रैक होती है उस पर वो धावक दौड़ता है ना, तो वो और जो घड़ी का कांटा है वो, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। धावक जब दौड़ता है तो क्या होता है, समय अलग अलग लेता है वो उस वृत्ताकार को पूरा करने में, कभी वो तेज़ दौड़ेगा कभी वो धीमे दौड़ेगा। पर क्या घड़ी की सुई ऐसा करती है, नहीं ना, घड़ी की सुई जो है वो तो अपने निश्चित समय में ही दूरी को पूरी करती है। तो दोनों में ये फ़र्क आप देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, है ना। तो ऐसी गति को हम क्या कहें, ठीक, इसकी हम बात करेंगे। ये देखिए ये घड़ी है, इसमें आपको 3 सुइयाँ दिख रही हैं, है ना, और ये एक धावक का चित्र है जिसमें वो ऐसी जो गोल ट्रैक होती है उस पर दौड़ रहा है, लाइन खींची होती हैं और उसको अपने ही लेन में दौड़ना होता है ना। यहाँ पर जो हमने घड़ी की सुई की बात की उसकी गति जो है वो कहलाती है आवर्ती गति, जबकि जो धावक है उसकी गति क्या कहलाएगी, अनावर्ती गति, है ना। जैसे हम कहें कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर गति करती है ना, तो वो एक निश्चित समय को ले रही है तो उसे हम कहेंगे आवर्ती गति। और भी कई गतियाँ हैं, जैसे हमारे शरीर का ही उदाहरण लें, जैसे हमारे फेफड़े हैं श्वसन कर रहे हैं, या हमारा हृदय है उसमें धड़कन है, तो ये गतियाँ कैसी हैं, ये अनावर्ती गतियाँ हैं। क्यों अनावर्ती है, जैसे आप दौड़ के आ रहे हैं तो आपका हृदय तेज़ी से धड़कता है, आपने महसूस किया होगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, आप हाँफने लगते हैं, है ना, और सुई जो है घड़ी की वो बिल्कुल बिना थके एक ही गति से चलती रहती है, तो वो है आवर्ती गति, ठीक बच्चों। अब हम देखें इसमें ये उदाहरण, ये देखिए बहुत सारे धावक आपको दिखाए मैंने, अभी आप उससे जो बात की थी वो इस चित्र में देखिए आप, सब
उस गोल वृत्ताकार जो लाइनें हैं उसमें दौड़ रहे हैं, है ना। अब हमने पृथ्वी की बात की, तो ये देखिए सूर्य की ओर, आपको पता है हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, बाकी ग्रह जो हैं वो भी गति कर रहे हैं, तो ये दर्शाया है हमने उसमें, दिख रहा है। ये हमने अपने हृदय के धड़कन की बात की। जब देखिए किसी को हृदय संबंधी कोई समस्या होती है तो डॉक्टर उसका ईसीजी लेते हैं, उससे वो धड़कन को देखते हैं, है ना, ये उसी का चित्र है, ठीक। चलिए हमारे श्वसन की हमने बात की, आपको पता है कि हमारा श्वसन जो है तंत्र का मुख्य अंग, आपने पिछले अध्याय में जाना है, फेफड़े, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जब आप तेज़ी से दौड़ेंगे तो आपके फेफड़े तेज़ी से काम करेंगे और आप तेज़ी से सांस लेंगे, तो ये हमारे श्वसन तंत्र के मुख्य अंग जो हैं फेफड़ों का चित्र मैंने यहाँ आपको दिखाया है, दिख रहा है आपको, ये देखिए। अब हम इनकी परिभाषाओं की बात करेंगे, क्योंकि आपको मैंने इतने उदाहरण से समझा तो दिया है और आशा है आप पूरी अच्छी तरह से समझ चुके हैं। चलिए, वह गति जो निश्चित समय के पश्चात दोहराई जाती है, है ना, निश्चित समय, जैसे मैंने कहा कि सेकंड्स का काटा है, आप जब घड़ी की टिक टिक सुनते हैं तो देखिए एक निश्चित समय में टिक 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 इस तरह सुनाई देती है ना, तो वो जो होगी वो आवर्ती गति होगी। और वही गति जो है, अब हम दोबारा जब बात कर रहे हैं अनावर्ती गति की, तो उसमें क्या हो रहा है, वह गति जो दोहराने में भिन्न भिन्न समय लेती है ना, अलग अलग समय, कभी तेज़ कभी धीमे, तो वो गति क्या कहलाएगी, अनावर्ती गति कहलाती है। आज बच्चों हमने बहुत सारे गतियों के प्रकार सीखे, हमने ये भी जाना कि गति क्या है, ठीक, और हमने विभिन्न प्रकार के गतियों के उदाहरण की भी बात की, है ना। इसके अलावा भी आपके आसपास बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्हें आप इन गतियों के प्रकार के श्रेणी में बांट सकते हैं, तो अपने आसपास जितनी भी गतियां आपको दिखाई दे रही हैं उन्हें नोट करिए और इन गतियों में आप उसे किस श्रेणी में रखेंगे उसे लिख कर रखिए और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए अब हम कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न पढ़िए, गति क्या है। दूसरा प्रश्न है, सरल रेखीय गति किसे कहते हैं। आपको पता है उसे आप इसमें लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, घूर्णन गति के दो उदाहरण दीजिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए, वृत्तीय गति के दो उदाहरण देकर इसे समझाइए, ठीक है। तो हम इन गतियों से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है बच्चों। हम अगली बार इसी पाठ का भाग दो लेकर फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।